ओम शांति। बाबा ने महावाक्य बोले, साइलेंस की शक्ति अनुभूति कराने की शक्ति है उन आत्माओं को, शांति की शक्ति से संतुष्ट करेंगे तब आप चैतन्य शांति देव आत्माओं के आगे शांति देवा कह करके महिमा करेंगे। स्वमान मैं परमात्म शक्तियों से संपन्न संपूर्ण विश्व को लाइट माइंड देने वाला चैतन्य लाइट माइंड हाउस अर्थात टावर ऑफ साइलेंस हूँ। मैं अविनाशी शक्ति हूँ। मैं बाबा के पास परम धाम में हूँ। और बाबा के बिल्कुल सामने निराकारी निरसंकल अवस्था में बैठा हुआ हूँ। अथवा बैठी हुई हूँ। बाबा मुझे बहुत ही पावरफुल दृष्टि देते देख रहे हैं। मैं भी निरंतर पिता शिव को देख रही हूँ। धीरे बाबा से एक किरणों का चक्र निकल रहा है। बाबा से निकलती किरणें चरखी की भांति गोल गोल घूमती निरंतर अपना दायरा बढ़ा रही है।
सात रंगों के शक्तिशाली किरणों का एक गोल चक्र तीव्र गति से बाबा से निरंतर निकल रहा है। और उन किरणों से बनता ओरा मुझे अपने आगोश में ले रहा है। मैं उन किरणों के घेरे में पूरी तरह प्रविष्ट हो गई हूँ। इस ओर प्रभाव स्वरूप मेरे भीतर एक ज्वाला ने उठ रही है। मैं स्वयं को इस ज्वालाग्नि में तपता हुआ महसूस कर रही हूँ। यह तपन मुझ आत्मा के भीतर छुपे व्यर्थ व बुरे संस्कारों को भस्म कर रही है। मैं स्वयं को अति शुद्ध पवित्र शांत और हल्का महसूस कर रही हूँ। किरणों का निरंतर घूमता चक्र मेरे संस्कारों का शुद्धिकरण कर रहा है।
मुझे स्वयं में लुप्त हो चुके शक्तियों का पुनः आभास हो रहा है। ये शक्तियां मुझ आत्मा को मेरे वास्तविक अनादि स्वरूप का गहन एहसास करा रहे हैं। मैं इन सर्व शक्तियों की स्वामी हूं। सर्वशक्तियों और प्रमाण मेरे सामने सदा सेवा में हाजिर होने के लिए तत्पर हो रहे हैं। मैं बीज रूप अवस्था का अनुभव कर रही हूं। मैं स्वयं को बाप समान अनुभव कर रही हूं। सर्वशक्तियों के स्वामी, मेरे ऑर्डर प्रमाण ये सर्वशक्तियां मेरे सामने सदा सेवा करने के लिए सेवा में हाजिर होने के लिए तैयार हो रही है। मेरी एकदम
सुषुप्त अवस्था। स्वयं को बाप समान अनुभव कर रही हूं। मैं सर्वशक्तियों के मालिक मास्टर सर्वशक्तिवान बन संपूर्ण विश्व की सेवा करने के लिए पिता शिव से आज्ञा ले रही हूँ। शिव बाबा सहर्ष मुझे आज्ञा दे रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं बाबा से अनुमति प्राप्त कर मैं आत्मा परम धाम से ही बाबा के पास बैठ कर समस्त विश्व में इन शक्तिशाली किरणों के बौछार कर रही हूँ। नीचे मृत्यु लोक में मनुष्य आत्माएं शिवालयों मंदिरों आदि में स्थापित मुझ मास्टर सर्वशक्तिमान की जड़ मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर नतमस्तक खड़े प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी करुण पुकार उनकी दयनीय
अद्भुत भरी अवस्था का वर्णन कर रही है। वे अपने इष्ट के आगे भिक्षु बन झोली फैलाए खड़े हैं। हे शांति देवा, हे सुख देवा, हमें भी शांति का दान दे दो। हमारे दुखों को हर लो हे सुखदाता। क्षणिक सुख शांति के अनुभूति के प्यासी आत्माएं मुझ मास्टर बीज रूप आत्मा से प्राप्त होती शक्तिशाली किरणों को अनुभव कर रही हैं। उनका चित्त शांत हो रहा है। वे गहन शांति का अनुभव कर रही है। उन्हें सुख की भावना आ रही है। वे शांत होकर संतुष्ट हो रही हैं। उनके पुकार धीमे धीमे
होती जा रही है। वे दुखों को भूल रही हैं। उनमें खुशी की भाषा जागृत हो रही है। वे स्वयं को तृप्त महसूस कर रहे हैं। स्वयं को भरपूर महसूस कर रही है। उनके आत्म तृप्ति हो गई है। ओम शांति शांति शांति।